मेरे पास एक हमारे बड़े जूनियर प्लेयर मोहम्मद अब्बास मौजूद हैं। अब्बास कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और हम इनको आज जो हमने बेसिक प्रैक्टिस मैंने बताई थी कि जिससे आप स्टार्ट करेंगे ब्लैक के ऊपर, किस तरीके से आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अब्बास आप हमें ये ब्लैक कुछ एटलीस्ट 10 या 15 दफा पॉट करके बताएं बगैर मिस किए हुए। पोजीशन मैंने आपके लिए थोड़ी सी बना दी है, आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा करें बॉल, पहला बॉल कोशिश करें कुशन से आप सॉफ्टली पिक करें, पावर नहीं लगानी है आपने और सॉफ्टली खेलनी है, और देखते हैं कि मोहम्मद कैसा परफॉर्म करते हैं इस प्रैक्टिस में। कोई बात नहीं, दोबारा हम ट्राई करेंगे, सॉफ्ट मारेंगे। देखिए आपने बहुत ज्यादा उसमें फोर्स लगाएंगे जिस वजह से बॉल आपका सॉफ्ट सा मारे, जिस तरह आपने मुझे देखा होगा परफॉर्म करते हुए। दैट वाज अ गुड शॉट अगेन, थोड़ा सा बॉटम लें, थोड़ी सी डिप करें और शॉट को भर के मारें, ठीक है? शाबाश, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रखें, शाबाश। अब स्लो हो गया, फिर एक और ट्राई करते हैं। शाबाश मोहम्मद, यू डूइंग गुड, कंटिन्यू करें। यस, नाउ यू गॉट इट, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा डीप स्क्रू कर लीजिए, झिझकना नहीं है स्क्रू करते हुए, झिझकना नहीं है। आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो डरना नहीं है, थोड़ा देख कर ब्रिज ऊंचा करें, ब्रिज थोड़ा सा नहीं ज्यादा नहीं, सिर्फ ब्रिज ऊंचा करें, शाबाश, सॉफ्ट सा। Yes, that's how you play a shot. जब दोनों बॉल्स क्रीम हों तो आपने इस तरीके से खेलनी है, थोड़ा सा फॉलो करके वाइड को उस तरफ ले जाएं। Very good shot, मोहम्मद, excellent. अच्छा जी, अब आपके पास पोजीशन तकरीबन स्ट्रेट आ गई है, बल्कि उसी तरीके से आप इसको यहां पर भी ला सकते हैं, ठीक है? क्योंकि लेफ्ट हैंडेड है तो बॉल, आप चूंकि राइट हैंडेड है तो बॉल इस तरफ रहना चाहिए, तो शाबाश, एक्सेलेंट। थोड़ा नीचे रह गए आप, थोड़ा स्लो मारते तो ऊपर रहते, लेकिन अभी फिर आप इसको फॉलो करके सॉफ्ट सा उधर ले जाएं वाइट बॉल को, ब्रिज थोड़ा सा करीब रख लें, ज्यादा दूर होगा तो आपका क्यू जो है हाँ पास आराम से क्यू पूरी करें, एक्सीलेंट शॉट, एक्सीलेंट शॉट, शाबाश मोहम्मद जी। अब आप आराम से इसको कुशन से उठा सकते हैं, बॉल उस तरफ भी ला सकते हैं, उधर से इधर भी ला सकते हैं, ये चॉइस मैं आपको छोड़ूंगा, इस पर मैं कोई सजेशन नहीं देने लगा आपको। कोई बात नहीं, दोबारा करें, अली शॉट के आगे नहीं खड़े होते, साइड पे रहे, कोई बात नहीं। तो ये दोस्तों हमारा एक छोटा सा डेमो था मोहम्मद की तरफ से, और उन्होंने कोशिश की अपने ब्लैक बॉल को पॉट करने के लिए, और आपका मोहम्मद टारगेट ये है कि आपने इसको 20 पहले अचीव करना है, कि 20 ब्लैक्स जाने चाहिए और इधर आए ऑडियंस के सामने आए, और आपने 20 बॉल्स पॉट करने के बाद फिर आपने 50 का टारगेट अचीव करना है, और 50 बॉल्स जो है आपने पॉट करने हैं मिस किए हुए बगैर। अब आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से आप हल्के हल्के स्टंस, हल्के हल्के फॉलोज, आपका बॉल इसलिए जा रहा था कि आप उसको कभी तेज मार रहे थे, कभी जल्दी कर रहे थे, क्यूइंग कभी नहीं, आपने एक दो शॉट में क्यूइंग नहीं की। तो जितना आप रिलैक्स रह के ये प्रैक्टिस करेंगे, कुशंस को कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें, उतनी ये जल्दी हो सकेगा। तो दोस्तों द स्नूकर जिम में हमने आपको एक छोटा सा डेमो दिखाया, हमारे एक यंग जूनियर प्लेयर हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने आपको कुछ परफॉर्म करके दिखाया, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और बहुत से जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनको अंदाजा होना चाहिए इनकी गेम देख के कि वो भी ये कोशिश कर सकते हैं, वो भी हमें ब्रीच कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, हमें सवाल भेज सकते हैं। तो स्नूकर सीखने की कोई एज सच एज नहीं होती, एज लॉन्ग एज आप टेबल पे आना शुरू हो जाए, आप थोड़े से स्टडी हो जाए, 6-7-8 साल से आप गेम इजीली कंफर्टेबली 8 इयर्स का भी बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, और बहुत सारी मजीद वीडियोस भी आने वाली हैं, और हम चाहेंगे कि लड़कियां जो यंग बच्चियां हैं वो भी इसमें आके हमें ज्वाइन करें, जो जिस भी एज की हैं लेडीज जो इंटरेस्टेड हैं स्नूकर को समझने के लिए, हमारे स्नूकर जिम को कॉन्टेक्ट करें, हम उनको भी इसमें हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा इंशाल्लाह, हम पिंक की बेसिक प्रैक्टिस के ऊपर हम बात करेंगे, उस पर हम डेमो भी देंगे, और फिर हम कोशिश करेंगे कि कोई प्लेयर हमारे पास आए और उसको भी हम थोड़ी डेमोन्स्ट्रेट, उसकी भी देखें एक्सपर्टीज के वो किस तरीके से अपने बॉल को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है मोहम्मद? थैंक यू वेरी मच। Okay guys, thank you very much. Allah Hafiz.